रश इंडिया न्यूज़, हर खबर सच्चाई के साथ। कलेक्टर की कार्यवाही अपनों को लाभ दिलाने वाले तत्कालिक एसडीएम के रीडर बाबूलाल मालवीय को किया निलंबित। रीडर की बहन सहित दो अन्य के खिलाफ दिए एफआईआर के निर्देश। बड़वानी कलेक्टर शिवराज वर्मा ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एसडीएम के रीडर बाबूलाल मालवीय को निलंबित किया है। कलेक्टर के अनुसार सन 2010 में इंदिरा सागर नहर का काम चल रहा था, जिसमें रीडर की बहन कमलाबाई मालवीय, शरद चंद्र रावत, शरद चंद्र की कृषि भूमि डूब में गई थी, जिसका मुआवजा करीब 34 लाख अवार्ड पारित हुआ था। लेकिन तत्कालिक रीडर बाबूलाल ने उक्त कृषि भूमि का डायवर्शन कर इसे मैरिज गार्डन दर्शाकर सत्र न्यायालय में अवार्ड के खिलाफ परिवाद दायर करवा दिया, जिसके बाद न्यायालय ने 16 दिसंबर 2019 में करीब 6 करोड़ 60 लाख का नया अवार्ड पारित कर दिया। लेकिन मुआवजा राशि में इतनी भिन्नता पाने पर कलेक्टर ने मामले की जांच के निर्देश दे दिए थे, जिसमें सामने आया कि रीडर ने अमानत में खयानत करते हुए अपनों को लाभ दिलाने के लिए शासन को चूना लगाया है। रीडर ने कृषि भूमि का डायवर्शन कर मैरिज गार्डन दर्शा दिया, जिससे मुआवजे की राशि 34 लाख से सीधी 8 करोड़ 60 लाख हो गई, जिसके बाद कलेक्टर ने बाबूलाल मालवीय को निलंबित करते हुए उसकी बहन और दो अन्य के खिलाफ एफआईआर के निर्देश जारी कर दिए हैं। साथ ही अन्य मामलों में भी जांच की बात कही है। इंडिया न्यूज के लिए बड़वानी से आदित्य शर्मा की रिपोर्ट। मामला यह कि 2010 में जो इंदिरा सागर परियोजना नहर वाला काम था, प्रारंभ हुआ था, तो उसकी भू अर्जन की कार्रवाई प्रारंभ हुई थी। लोगों ने भू अर्जन की कार्रवाई को फेल करने के उद्देश्य से कुछ जमीनों का डाइवर्शन करने का प्लान किया, ताकि अधिक से अधिक मुआवजा मिल जाए। और उसमें एक प्रकरण जानकारी अभी आ गया हमारी में, हमने जांच करा ली है। एक शरद चंद्र रावत करके, जिसकी ज़मीन उसमें जा रही थी, उनके द्वारा उसमें डाइवर्सन का एक आवेदन लगाया मैरिज गार्डन के नाम से। और उस ज़मीन की जो डाइवर्सन की प्रक्रिया है, वो जो शासन द्वारा निर्धारित है कि उसका ज़मीन का लेआउट सेंक्शन होना चाहिए, लेआउट टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से अप्रूव भी होना चाहिए, और विभिन्न विभाग, नगर पालिका, पीडब्ल्यूडी, पीएचई, इनसे सबसे उसमें अभिमत भी लिया जाता है। तो इस पूरी फाइल में ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई, और उसमें जल्दीबाजी करके 15 दिन के अंदर ही वो डाइवर्सन का आदेश कर दिया गया। उसमें फिर ये भी हुआ कि उसी डाइवर्टेड लैंड की कृषि भूमि की रजिस्ट्री नाम पर रजिस्ट्री, जो हमारे बाबू है उसकी बहन के नाम से कृषि भूमि की रजिस्ट्री होती है, परंतु उसका बंटवारे में फिर से वो डाइवर्टेड हो जाती है। तो ये पूरी प्रक्रिया इलीगल है। इसमें कृषि भूमि से यदि डाइवर्टेड करोगे तो उसमें स्टैम्प ड्यूटी बहुत ज़्यादा लगती है, तो वहाँ पर भी स्टैम्प ड्यूटी बचा करके पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया हुआ है। इसमें आगे नामांतरण बंटवारे की जो प्रक्रिया है, इसमें डाइवर्टेड लैंड का नामांतरण बंटवारा करने का प्रक्रिया अलग है, उसकी होती नहीं है। और इसमें कृषि भूमि बेची, नामांतरण बंटवारा डाइवर्टेड लैंड किया गया, और जो शरदचंद्र रावत है उसने अपने लड़के के नाम से, प्रतेश के नाम से भी बंटवारा कर दिया, और कृषि भूमि जिसको बेची उसके नाम से भी कर दिया। पूरी प्रक्रिया, बंटवारे की प्रक्रिया भी इलीगल हुई है। उसमें भी जो इश्तहार जारी करते हैं लोगों, दावे आपत्ति आते हैं, वो भी लिया गया है, और उसकी नजीर एनओसी भी एक दिन में जारी कर दी गई है। पूरी कार्रवाई 20-25 दिन में केवल इसलिए की गई है कि भू अर्जन की प्रक्रिया फेल हो जाए और हम उसका कोर्ट के माध्यम से लाभ उठा लें। इन लोगों ने कोर्ट में भू अर्जन आदेश के खिलाफ में एक रेफरेंस का आवेदन लगाया, तो वहाँ पर भी कुछ लोगों ने उसकी ठीक से पैरवी नहीं की है, और उसमें 34 लाख का जो अवार्ड था वो 8 करोड़ 60 लाख से अधिक का उसमें आदेश हो चुका है। उस पूरे मैटर को हमने संज्ञान में लिया हुआ है, और उसमें जो बाबू जो शामिल था उसको मैंने सस्पेंड किया हुआ है, और आवेदकों और जो नीचे वाला कर्मचारी जो मिलकर ये काम किया हुआ, उनके ऊपर मैं FIR कराने का मैंने एक आदेश दिया हुआ है। इसके इन प्रकरणों में के अलावा और प्रकरण भी हमको जानकारी मिले हैं, हम सारे प्रकरणों की जाँच करवा रहे हैं, और उसमें भी इस तरह की कार्रवाई मिलती है तो दोषियों को। देख रहे हैं रश इंडिया न्यूज़, हर खबर